फेमस कॉमेडियन भारती सिंह अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपना ही मजाक भारी पड़ गया। दरअसल भारती सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दाढ़ी और मूंछ को लेकर कमेंट कर रही हैं। इसको लेकर भारती को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और भारती के खिलाफ अमृतसर में प्रदर्शन भी किया गया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इस मामले में शिकायत देकर FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब भारती पर IPC के सेक्शन 295A के तहत FIR दर्ज हो गई है। हालांकि इस मामले में भारती ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैनू भेजा भी गया, मैनू मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है दो दिन तो। मैं थानू भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी, मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, उहदे विच मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोला कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल यह प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड दे नाल कि दाढ़ी मूछ ते अजकल हर कोई रखता है, बट अगर मेरी ए लाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात दे लोग हर्ट होए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदी हाँ। मैं खुद पंजाबी हाँ, अमृतसर पैदा हुई हाँ, तो मैं पंजाब का मान पूरा रखांगी और मैं पता है कि पंजाबी होने के नाते मैं प्राउड है कि मैं पंजाबी हाँ। लेकिन सिख समुदाय पर माफी का कोई असर नहीं हुआ है। आपको बता दें, भारती का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो एक कॉमेडी शो के दौरान जैस्मिन भसीन के साथ बैठी हुई हैं। तभी भारती कहती हैं, दाढ़ी मूछ क्यों चाहिए, दूध पानी के बाद दाढ़ी को मुंह में डाल दो तो सेवैया का स्वाद आता है। मेरी एक दोस्त जिनकी अभी शादी हुई है वो सारा दिन दाढ़ी से जुए निकालने में व्यस्त रहती है। भारती के इसी मजाक का विरोध किया जा रहा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और टेलीविजन से जुड़ी ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड की चर्चा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।